हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेमिशा और आप देख रहे हैं प्रेमिशा फिटनेस। दोस्त, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, खास तौर पे मेरी कुछ दोस्त या फिर फेसबुक पे कम्युनिटी, इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी, मुझे एक बात जरूर मैसेज करती हैं कि भाई या फिर मिश्रा जी या कुछ भी, कि सर मेरे घर में शादी है और आई वॉन्ट टू लूज फैट फास्ट, आई वॉन्ट टू लूज वेट फास्ट। तो इस शादी के आने वाले सीजन के लिए मैं बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स को, खासतौर पर प्राइमरी वीडियो मेरी फीमेल्स के लिए ये कि आप अपना फैट और वेट कैसे लॉस करें। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं नेट पे, यूट्यूब पे, बट एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि वेट के साथ साथ चार्म भी कम होता है। चार्म को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और ये जो सो कॉल्ड गुरुजीज हैं वो तो नहीं कर सकते उसको मेंटेन। ये जो बहुत प्रोफेशनल लोग्स हैं वही इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अब मैं देखिए, अब कोई पर्सनली नहीं लेगा इस बारे में तुमने कि ऐसा क्यों बोला, कि बहुत सारे लोगों, मेरा एक ओपिनियन है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री होल्डर नहीं है बट दे आर वेरी नॉलेजेबल, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। तो कट एंड चाउ, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं उस बात पे आता हूँ। मेरा मुद्दा यह है कहने का कि आपको करना क्या है। एक दो बातें को बहुत ध्यान से समझना है आपको। पहली चीज कि आपको जो है इंसुलिन के साथ खेलना है। दूसरा कि आपको प्रोटीन का समझना पड़ेगा कि प्रोटीन क्या चीज़ होती है। जनरली मैं आपको एक बात और बार बार बताता हूँ, कई बार क्या होता है, खासतौर पर अभी नवरात्र चल रहे हैं, मेरे सामने जो फूड आता है मेरे को बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, बिकॉज मैं वहाँ उसमें देखता हूँ कि मुझे सिर्फ काफ्स मिलते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ मैनेज करने की, चूँकि नवरात्रे हैं, आप सब ने भी, कई लोगों ने व्रत रखा होगा या कई लोग डाइट कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल चीज़ है जिसको हम सोचते ही नहीं है, वहाँ जितने भी लोग हैं, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस चीज़ को करना चाहते हैं, सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड कीजिए। अब वो ऐप बहुत सारे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा ऐप जो बेसिकली इंडियन फूड को मेज़र करता है, हो सकता है और भी ऐप्स हो मुझे नहीं पता, बट जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, वो ऐप मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस ऐप का नाम है हेल्दीफाई। उस जो ऐप है उसको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको, और iOS वाले पे भी अवेलेबल है। हेल्दीफाई नाम का ये ऐप है। बेसिकली इसमें मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर इंडियन फूड्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे पराठा या कुछ भी। सबसे पहला काम करना है कि आपको कैलोरी समझना है, जितनी कैलोरी आप का जो बॉडी है मेंटेन करने के लिए चाहिए उसे ऐप के अंदर आप। अच्छा, पहली बात मैं बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने वो ऐप यूज़ किया है तो मुझे पता है, किसी भी तरीके का स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनली इस बात ऐप को रिलेट नहीं कर रहा, मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो उसके अंदर आप अपने कितना कैलोरी आप चाहते हैं आप वो चीज़ उसमें मेंशन करें, वो आपको बता देगा कि भैया मुझे इतना वेट लॉस करना है, इतना फैट लॉस करना, वो सारा मेंशन कीजिए, वो बता देगा आपको भैया एक दिन के अंदर इतनी कैलोरी लेनी है। अब आप जो भी खा रहे हैं उसको उस चीज़ में डालिए, ठीक है, और धीरे धीरे आपका फैट और वेट दोनों कम होता चला जाएगा। अब मैं कंबाइंड करके चार पांच बातें इसके अंदर करना चाहूँगा, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इनिशियली 50 से 70 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। ओ, ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया कि हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे मेजर करें। सुनिए, अमेजन वगैरह पे एक बहुत छोटा सा किचन का जो वेट स्केल मशीन आता है वो आता है, आप में से बहुत लोगों के घरों में भी होगा, छोटा सा आपको मेजर करना, उस पर कोई कटोरी रखिए और उस पर आप वाइट, ब्राउन या एक रोटी, जो भी आपकी मीडियम साइज है, कुछ भी रखे आप उसको मेजर कीजिए। अच्छा, कोई भी सब्जी खा रहे हैं उसको मेजर कीजिए। अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा कि ये आपको कैसे पता चलेगा कितने में कितना ग्राम है, वो आपको उस ऐप में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल कर लीजिए। नॉर्मली आप जब उसको करेंगे तो 50 से 70 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कर दीजिए, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशंस और भी हैं, जैसे कि टोटल कैलोरी का 33% आप कार्ब खाइए या 40% कार्ब्स खाइए, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाहता हूँ। तो उसमें 70 ग्राम तक आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। देखिए, शुगर, चाय बिल्कुल बंद कीजिए, मैंने कहता कि आप ग्रीन टी पीजिए या ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, अगर आप ब्लैक कॉफी पियेंगे अच्छा है, ग्रीन टी पियेंगे अच्छा है, बट मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि चाय बंद कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट और शुगर क्या करता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ा देता है, और ये इंसुलिन लेवल क्या होता है, इंसुलिन लेवल जो आपकी बॉडी के अंदर मेन फैट स्टोरेज का काम करती है, तो वो उसको बढ़ा देता है। अगर आप कार्ब्स कट डाउन करते हैं, शुगर कट डाउन करते हैं, देखिए जनरली आप
इतना कर नहीं पाएंगे। आप कुछ भी खाएंगे उसमें आपको शुगर मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मल रोजमर्रा की चीज़ों में भी आपको शुगर कंटेंट मिलता ही मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा कि कार्ब्स वगैरह जब आप कट डाउन करेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल डिक्रीज होगा। इंसुलिन लेवल डिक्रीज होने के कारण क्या होगा कि अब आपकी बॉडी जो है फैट बर्न करेगी किसी भी वर्कआउट के दौरान या फिर आपकी डेली लाइफ के दौरान, और आपका इससे क्या होगा कि आप टोन्ड दिखेंगे और ओवरऑल आपका वेट भी लॉस होगा। जब आप प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोटीन खाएंगे तो दो बातें मैं आपको प्रोटीन को लेकर बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि प्रोटीन ना जो आपके मन में हमेशा खाने को लेकर लालसा बनी रहती है कि ये खाऊं या वो खाऊं, उसको 40% तक कम कर देता है। जो ये माइंड की क्रेविंग होती है ना, जिसको हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं, वो 40% तक कम कर देता है। तो पहली चीज तो भैया बेनिफिशियल ये हो गया। दूसरा, प्रोटीन बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म भी क्या करता है, बढ़ाता है। अच्छा, कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं, ये बात आज तक प्रूव नहीं हो पाया है। किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको वो कहेगा कि इतने ग्राम में भी मसल बिल्ड हो सकता है। किसी पुराने ट्रेनर से कहेंगे वो यार रफली 300 ग्राम ले ले। किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे वो अलग बात करेगा। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट है। जनरली हम क्या करते हैं कि पर पाउंड के हिसाब से प्रोटीन पर ग्राम हम लोग कंज्यूम करते हैं। अच्छा, जो वर्कआउट नहीं कर सकते और जो घर में रहती हैं या फिर जो मेल हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक नॉर्मल वेट लॉस पीरियड रखना है। थोड़ा सा सोसाइटी में वॉक कर लीजिए, कहीं वॉक कर लीजिए। तो आप चाहें तो जैसे आपका वेट 70 है तो आप 100 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन लीजिए। 80 भी लेंगे, 90 भी लेगा तो भी चलेगा। अच्छा, अब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हिसाब से आप प्रोटीन शोर्स वगैरह सर्च कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं। अगर वे प्रोटीन आप ले पाते हैं तो गाइस प्लीज गो फॉर द आर्म्स न्यूट्रिशन वे प्रोटीन। मैं इस को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, हाँ ये स्पॉन्सर है और बहुत अच्छा है। मैं खुद आर्म्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ पिछले कई महीनों से एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। और ये बहुत अच्छा है, सस्ता है और आप रिलायबल कर सकते हैं कि आप जो अपनी बॉडी के अंदर जो डाल रहे हैं वो जहर नहीं, वो ओरिजिनल चीज़ डाल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आर्म्स न्यूट्रिशन आप सब ट्राई करना चाहिए। अमेजन वगैरह पे, पेटीएम पे, हर जगह अवेलेबल है, बहुत इजीली डिलीवरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी 40% तक आपकी क्रेविंग्स कम कर देगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो आपका हेल्दीफाई ऐप है या फिर आपने जो मेंटेनेंस कैलोरी सोची हुई है वो हमेशा के लिए नहीं है। 10 दिन हो गए, आपका वेट ड्रॉप आया है तो अब नया कैलोरी इंटेक बनाइए। फिर ऐसे कर करके इधर से कार्ब्स भी कम करते चले जाइए, ओवरऑल कैलोरी इंटेक भी कम करिए। इस प्रोसेस में आएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, 2400 चार महीने का जो प्रोसेस होता है उसमें 2400 ही रख लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका वेट ड्रॉप होता है, बॉडी फैट ड्रॉप होता है, उसी तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी ड्रॉप करने होते हैं और उसी तरह से जो है आपको जो है ओवरऑल कैलोरी ड्रॉप करनी पड़ती है। अगर आप वर्कआउट कर पाएँ या कुछ कर पाएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कीजिए। रनिंग कर पाएँ, वेट ट्रेनिंग कर पाएँ, कार्डियो, कबड्डी, क्रिकेट, कुछ भी कर पाएँ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि इनिशियली आपने सुना होगा कि जो लोग बॉडी वेट गेन करते हैं, मसल गेन करते हैं, वो आधे घंटे वर्कआउट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपकी बॉडी शुगर, कार्ब्स ये बर्न करती है और उसके बाद बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो जिन लोगों को बॉडी वेट बढ़ाना होता है और जिनको जो है अच्छा मसल गेन करना होता है तो वो 45 मिनट्स 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा वर्कआउट, 35 मिनट इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड वर्कआउट नहीं करते। लेकिन जिन लोगों को ये मिनिमाइज़ करना होता है, जो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, बाकी चीज़ें करनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि एक घंटा डेढ़ घंटा वर्कआउट करते हैं। इनिशियली हाफ एन आवर बॉडी कार्ब्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी रखती है, बाकी टाइम फैट सेल्स को यूज़ करती है। तो गाइज ये बहुत सिंपल सा वीडियो था। मैंने थोड़ी इंसुलिन लेवल की बातें करी, आपको इमोशनल ईटिंग के बारे में बात करी, मेटाबॉलिज्म को लेकर बात किया, क्या कैसे क्या करना है, इन सब बारे में बात किया। गाइज अगर आपको प्रोटीन परचेज करना है आर्म्स न्यूट्रिशन का, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको अगर मुझ पर ट्रस्ट है, प्रोटीन बहुत अच्छा है, बहुत सारी कंपनियां ब्रदर, मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, प्रोटीन इज वेरी मच वेरी हेल्दी वेरी गुड, आप सब ले सकते हैं। जिनको ब्लोटिंग का इश्यूज़ है वो ब्लोटिंग का इश्यूज़ भी नई बार आने वाला है। तो दोस्तों अगर कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हिट द लाइक बटन, कमेंट करें डाउन बिलो। अगर दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें, मेरी आईडी है, मैं वहां पे भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो आप सभी जगह पे मेरा पीछा कर सकते हैं। गाइस जहां भी आप देखते हैं कि टीम
प्रेमिस ऑफ फिटनेस। तो टीम प्रेमिस ऑफ फिटनेस और भी चीजें करती हैं, जैसे उनका अपना एक चैनल है जिसको कहते हैं अमन कुशवाहा फिल्म्स, वहां पे सॉन्ग और नई नई वीडियोस, बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी करना है तो जाके उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत सारा लॉट्स ऑफ पैकेज आने वाला है रीजनल और बड़े बड़े लेवल पे। टिल देन लव यू, स्टे फिट, रूल द आइस। जय हिंद।